स्टेज बनाने लग रहे हो के भोजनालय की तैयारी करते हुए कुंगर प्रधान मोनू भाई हाँ बढ़िया भाई भाई अगर आज वो ताऊजी यहाँ लग रहे हैं मैं तो दिन में आया हूँ मैं दूर उड़ दी पाओगी हाँ दिन में दूर है भाई बिल्कुल मैं फिर मौसम थोड़ा सा इसी तरह का रखा है इसलिए हाँ मौसम मौसम अब बिल्कुल ठंड है बादल लिकट के आया हूँ मैं ये साइड स्टेज तैयार होने लग रहा है कल के प्रोग्राम के लिए और ये यहाँ पे हवन का और उस साइड भोजनालय का और ये चेयर बैठ के बैठने के लिए तो फुल तैयारी के साथ कल का मस्त प्रोग्राम आपने देखने को मिलेगा यहाँ पे और अभी लगे पड़े हैं सब सेवा में छोटे बच्चे बड़े सब सेवादार लग रहे हैं गांव में से आके बस और बाहर से भी कुछ सेवादार आ रखे हैं और ये बच्चा बहुत बढ़िया है वाह भाई वाह जोनी लड़के मान गया वाह भाई वाह सब ऐसे इसी ले लेके आया तेरे को मैं वाह भाई वाह सुखा गैंगस्टर आज यहाँ लग रहा है वेरी गुड शाबाश जोनी का तो अब जाने का कोई प्रोग्राम है नहीं घर तो जाना को नहीं हाँ बस आओगा पूरे लग जाए ये छोटा गैंगस्टर आ गया फुल सेवा करने लग रहा है वेरी गुड शाबाश बेटा लाग जाओ तो मैं शर्मा ना और काम करना हाथ लिया मैं तुमने और चलो तमी जो भी सेवा बताओ ना वहां से लो आदेश लो और काम करो फटाफट बेटा आ गया नमस्ते भाई नमस्ते ठीक है मेरा बेटा आ गया ले आज तो कुरकुरे की गांठ बांध रखी है सारे सेवा में लाग रहे हैं परी भी सेवा करेगी करी किन बेटा के सेवा करेगी बता जल्दी बता टेंट पकड़ा रहा तो अभी का ये सीन है भाई जोनी जो यहाँ पे अब यहाँ पे आते ही जोनी को काम मिल गया था भाई टेंट का काम करना है सारा टेंट का काम जोनी को दे दिया है आज की सेवा जो भी जितनी भी सेवा आज की गुरुकुल की जितनी भी आज टेंट की सेवा है वो सारी आज जोनी और मोहित के हाथ है और मोहित इसकी हेल्प कर रहा है टेंट का सारा काम अभी ये संभाल रहा है ठीक है जोनी वेरी गुड जोनी ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को जोनी के जैसे बच्चे चाहिए मेरे को वाह भाई वाह वेरी गुड तो फाइनली गाइस अभी बैनर लग चुका है अभी स्टेज बिल्कुल तैयार है ठीक है मिलते हैं सुबह और काम एकदम रेडी है फुल जोर जोर से बच्चे लगे हुए हैं उनमें से फुल सपोर्ट है सब लग रहे हैं परी भी आ रही है परी भी लग रही है अपने काम का देख लो तुम बस देख ले मेरा बेटा भी काम का लग रहा है के करने लग रहा है बता मैंने के करा ही बेबी ना डोगा ले रही तेरी ये बात थी काम कर दे दिखो तो मैंने नू ना दिखो आने दे तो फाइनली गाइस तैयारियां हो चुकी हैं मिलते हैं कल सुबह कल का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा सुबह 5:30 बजे साढ़े पांच बजे आपका योग शुरू हो जाएगा 5:30 से 6:30 योग शुरू हो जाएगा विचार 8 बजे तक और उसके बाद जो भी चीफ गेस्ट वो आएंगे फिर भोजन का फिर हवन का सब कुछ आओ एकदम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और अभी जो है तैयारियां चल रही है कुछ एक बच रही है लगे हुए इतने प्यारे प्यारे सेवादार आ रखे प्यारे प्यारे और ये देखो आ रखे ना आप ये देखो फिर बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी सेवा करते हुए लगे हुए हैं अपनी सेवा में और आचार्य जी गर्दन ले भाई जोनी वेरी गुड भाई जोनी जोनी ने बहुत सेवा करी है के नाम साहिल ने भी बहुत सेवा करी है वेरी गुड लगे पड़े हैं और दादी जी भी आ चुकी हैं दादी भी आई तीनों दोनों
तो फाइनली गाइस अभी जो है तैयारी हो चुकी है सारी और अभी हम जा रहे हैं घर पे। ये देखो पूरी रौनक हो रखी है, इस साइड भी और वो टेंट वगैरह सारा लग गया है और योग करने की जगह भी बना दी गई है। और सुबह आचार्य जी आएंगे हरिद्वार से और ये व्लॉग मैं अभी डाल रहा हूँ। वैसे मेरी आदत व्लॉग सुबह डालने की, सुबह 8 बजे, लेकिन ये व्लॉग मैं आपको अभी डालता हूँ क्योंकि आपको पता लग जाएगा अभी कल जो है यहाँ पे इसका गुरुकुल का मुहूर्त है। तो आप सब ने आना है, आप सबका वेलकम है और एक बार ज़रूर आए। और ये और आज का व्लॉग जो है हम लोग यहीं से एंड करके चलेंगे। और ये मैंने आपको हर व्लॉग में दिखा रखा है। और ये दादी भी आ गई थी अभी, दादी मोटरसाइकिल कौन दादी अपनी स्कूटी खड़ी है, मोटरसाइकिल मुन्नू थी दे दिया था, वो बैनर बुनर लगाऊं थे। ठीक है तो इस करके हम चले घर, मैं और दादी अब जा रहे हैं घर। आंसू यहीं सोएगा रात को, आंसू को काम है, वो ले गया हुआ चाबी, चाबी तो नहीं अपने पास, चाबी लेके वो आवन लग रहा है वो छोरा, चाबी लेके उसकी कही थी माँ चाबी पकड़ा के जाइए, कट रहे आओ तो छोरा बजा बजा लग रहा है। ठीक है चाबी लेके फिर चला। ठीक है आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते कल नए व्लॉग में।